अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी सुनवाई में पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड क्रुश ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। अमेरिकी सरकार इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दशकों से एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला रही है। ग्रुश अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं के जांच के प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर प्रकाश डाला। ग्रुश ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन जीव के अवशेष हैं। ये जीव संभवतः क्रैश यूएफओ का पायलट था। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि यह उनका बयान नहीं है, बल्कि उन्होंने कई अधिकारियों से बात की है और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसे यह कमेटी के सामने रख रहे हैं। उनके पास एलियन से जुड़ी कोई भी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो। ग्रुश ने कहा कि वह इससे जुड़े गवाहों की एक सूची दे सकते हैं जो कांग्रेस को यूएपी से जुड़ी कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देंगी। ग्रुश ने कहा कि उन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में इसकी सूचना इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को दी थी। वहीं इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के प्रवक्ता ने इससे जुड़े टिप्पणी पर इनकार कर दिया। सुनवाई में मौजूद अन्य गवाहों और प्रतिनिधियों ने भी कहा कि यूएफओ से जुड़ी जानकारी अमेरिका ने पूरी तरह से छिपा रखी है। यूएफओ जांच का सहनेतृत्व करते हुए रिपब्लिकन सांसद टिम बर्चेट ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां निरीक्षण समिति की जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पूर्व नौसेना पायलट और गवाह रायान ग्रेव्स ने कहा कि यूएफओ से जुड़ी जानकारी सामने आना बेहद जरूरी है। अगर यह विदेशी ड्रोन है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और अगर यह कुछ और है तो विज्ञान से जुड़ी चीज है। दोनों ही स्थितियों में यह अमेरिका के आसमान को उड़ान के लिए खतरनाक बनाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।